लाश का साया अक्सर दिख जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर कौन है वो शहर, कौन सा है वो शहर जहां सिरकटी लाश के खौफ में है और किस बंगले पर उस रूह का कब्जा रहता है। सिरकटी लाश के साए की इज्जत में है शहर। रूह के खौफ में है शहर का हर शख्स। शहर के बंगले पर है सिरकटी लाश का कब्जा। क्या है शहर में खून की रूह का सच। किसकी है शहर में घूमती हुई रूह। किस बंगले पर है रूह का कब्जा। इस तरह के कई ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में लगातार कौंध रहे होंगे। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जानने के लिए आप बेचैन हो रहे होंगे, क्योंकि इन तमाम सवालों के जवाब में ही छुपी है भूतिया शहर और सिरकटी लाश की हकीकत। हम आपको बताएंगे कि आखिर शहर में सिरकटी लाश का साया किसका है, आखिर क्यों वो साया शहर की सड़कों और गलियों में घूमता है। लेकिन उससे पहले हम आपको उस शहर से वाकिफ करवाते हैं जहां के लोग सिरकटी लाश के साये के खौफ में जी रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको ये बताएंगे कि आखिर किस बंगले या फिर भवन पर उस सिरकटी लाश की हुकूमत चलती है। तो चलिए हम आपके सामने इस रात से पर्दा उठा ही देते हैं। दरअसल भूतिया शहर का नाम है कोटा। जी हाँ, राजस्थान का कोटा शहर, वही शहर जहाँ सड़कों पर आधी रात को घूमता है सिरकटी लाश का भूत। और शहर के ब्रिजराज बंगले पर उस सिरकटी लाश की हुकूमत चलती है। दरअसल ब्रिजराज भवन हवाई अड्डे से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 178 साल के ब्रिजराज भवन से 3 किलोमीटर की दूरी पर चंबल नदी बहती है। दूसरे शब्दों में कहें तो राजस्थान का कोटा शहर चंबल नदी के किनारे बसा है। मतलब ब्रिजराज भवन की वो इमारत है जिस पर उस सिरकटी लाश की हुकूमत चलती है। ब्रिजराज भवन के चौकीदारों को रात में वो रूह चाटा मारती। अब सवाल ये है कि आखिर किसकी है वो रूह जो कोटा शहर की सड़कों और ब्रिजराज भवन में घूमते हुए दिखाई देती। आखिर सिरकटी लाश की हकीकत क्या है, आपके सामने इस रात से ही पर्दा उठाएंगे। बस बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। स्पेशल डेस्क इंडिया न्यूज। शोज ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा मत, क्योंकि स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको आगे दिखाएंगे क्योंकि क्या है उस कोटा शहर की सड़कों पर और ब्रिजराज भवन में किसकी घूमती है सिरकटी लाश का साया। ये पूरा सच ब्रेक के उस पार।